ऊना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव जनकौर में 62 वर्षीय बुजुर्ग का शव सड़क किनारे एक खेत में संदिग्ध हालत में मिला है। मृतक की पहचान तरसेम सिंह पुत्र गुरदास राम निवासी जनकौर के रूप में हुई है। मृतक के सिर सहित शरीर के कई हिस्सों पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलने के बाद एसपी ऊना अर्जित सेन सहित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी इस मामले में तथ्य जुटाने के लिए बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर लगी चोट से ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जनकौर में जो एक रास्ता है, रोड है, जो कि नेशनल हाईवे से कटता है, लोकल रोड है, यहाँ पे काफ़ी आवाजाही है गाड़ियों की, वहाँ पे नज़दीकी खेत में जो है एक बॉडी जो है वो पड़ी है। मौके पे पुलिस ने विज़िट किया और ये पता चला कि ये 62 वर्षीय तरसेम सिंह जी हैं, जो यहीं के लोकल रहने वाले हैं जनकौर एरिया के। उनकी बॉडी जो है खेत में पड़ी मिली और जो अर्ली मॉर्निंग जो चश्मदीद गवाह हैं उनके अनुसार जो है ये बॉडी रोड के किनारे खेत है वहाँ पे पड़ी थी। इसके ऊपर मौके पे एसएचओ ऊना और एडिशनल एसपी ऊना के अलावा मैं भी आया हूँ और प्रिलिमिनरी अभी बॉडी को देख के इनके हेड पे एक इंजरी है जिसको जो कि एक इंसिजन वुंड है और बाकी इनके बॉडी पे क्या इंजरीज हैं और कॉज ऑफ डेथ क्या है वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इसमें अभी एफएसएल की टीम जो है मौके पे विज़िट करेगी, वो पहुंचने वाली है और बॉडी को भी हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ वो पता चलेगा। चश्मदीद गवाहों के अनुसार पिछले कल देर रात जो है इनको यहाँ पर सड़क पर देखा गया, उसके बाद आज सुबह जो है इसका पता चला कि इनकी बॉडी यहाँ पर आई है। एग्जैक्ट क्या इंसिडेंट हुआ और क्या क्या कारण से ये बॉडी यहाँ पे हैं और ये मृत हैं उसका पता जो है अभी थोड़ा इंक्वायरी में फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में चलेगा और जैसे होगा मैं आपसे शेयर करूँगा।